नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल नाना शेठ अकेडमी में। तो कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। यदि आप किसी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। यदि आप किसी प्रश्न का उत्तर पहले से ही जानते हैं तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सवाल नंबर एक, महात्मा गांधी जी का जन्म भारत के किस राज्य में हुआ था? ऑप्शन है ए गुजरात राज्य में, बी असम राज्य में, सी उत्तर प्रदेश राज्य में, डी तमिलनाडु राज्य में। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए गुजरात राज्य में। सवाल नंबर दो, एक सींग वाला गैंडा भारत के किस राज्य का राजकीय पशु है? ऑप्शन है ए असम राज्य का, बी पंजाब राज्य का, सी तमिलनाडु राज्य का, डी मध्य प्रदेश राज्य का। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए असम राज्य का। सवाल नंबर तीन, राष्ट्रीय हिंदी दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है ए 15 अगस्त को, बी 20 जुलाई को, सी 23 अक्टूबर को, डी 14 सितंबर को। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 14 सितंबर को। सवाल नंबर चार, दुनिया में कोरोना वैक्सीन की खोज सबसे पहले किस देश ने किया था? ऑप्शन है ए अमेरिका देश ने, बी रूस देश ने, सी जर्मनी देश ने, डी भारत देश ने। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी रूस देश ने। सवाल नंबर पांच, मनुष्य बिना सोए कितने दिनों तक रह सकता है? ऑप्शन है ए 10 दिनों तक, बी 11 दिनों तक, सी 12 दिनों तक, डी 20 दिनों तक। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 12 दिनों तक। सवाल नंबर 6, विश्व में कौन सा देश सबसे अधिक मांसाहारी है? ऑप्शन है ए हांगकांग, बी इजराइल, सी सऊदी अरब, डी अमेरिका। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हांगकांग। सवाल नंबर 7, सूर्य उदय के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? ऑप्शन है ए नॉर्वे देश, बी फिनलैंड देश, सी ऑस्ट्रेलिया देश, डी जापान देश। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी जापान देश। सवाल नंबर 8, भारत में सबसे पहले मजदूर संघ की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है ए 25 जुलाई 1950 ईस्वी में, बी 23 जुलाई 1955 ईस्वी में, सी 13 जुलाई 1960 ईस्वी में, डी 20 जुलाई 1965 ईस्वी में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 23 जुलाई 1955 ईस्वी में। सवाल नंबर 9, पोंगल त्योहार भारत के किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? ऑप्शन है ए महाराष्ट्र राज्य का, बी तमिलनाडु राज्य का, सी गुजरात राज्य का, डी पंजाब राज्य का। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी तमिलनाडु राज्य का। सवाल नंबर 10, दुधवा नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है ए गुजरात राज्य में, बी असम राज्य में, सी कर्नाटक राज्य में, डी उत्तर प्रदेश राज्य में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश राज्य में। सवाल नंबर 11, भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा चाय की खेती की जाती है? ऑप्शन है ए गुजरात राज्य में, बी असम राज्य में, सी तमिलनाडु राज्य में, डी कर्नाटक राज्य में। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी असम राज्य में। सवाल नंबर 12, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन है ए थॉमस एडिसन ने, बी ग्राहम बेल ने, सी बिल गेट ने, डी चार्ल्स पेपिस ने। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी ग्राहम बेल ने। सवाल नंबर 13, हाथी के मुंह में कितने दांत होते हैं? ऑप्शन है ए 2 दांत, बी 16 दांत, सी 20 दांत, डी 26 दांत। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 26 दांत। सवाल नंबर 14,
तमिलनाडु राज्य का टिहरी बांध भारत की किस नदी पर बनाया गया है? ऑप्शन है ए कृष्णा नदी पर, बी गोदावरी नदी पर, सी भागीरथी नदी पर, डी कावेरी नदी पर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी भागीरथी नदी पर। सवाल नंबर 15, ताजमहल को बनाने में कितने साल लगे थे? ऑप्शन है ए 20 साल, बी 22 साल, सी 25 साल, डी 28 साल। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 22 साल। प्रश्न नंबर 16, राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसके सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ए 6 वर्ष का, बी 5 वर्ष का, सी 4 वर्ष का, डी 7 वर्ष का। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 6 वर्ष का। सवाल नंबर 17, प्रसिद्ध पुस्तक कामायनी के लेखक कौन है? ऑप्शन है ए वाल्मीकि, बी वेद व्यास पंडित, सी ऋषि अगस्त्य, डी जयशंकर प्रसाद। तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद। सवाल नंबर 18, भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? ऑप्शन है ए तमिलनाडु राज्य, बी केरल राज्य, सी पंजाब राज्य, डी कर्नाटक राज्य। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी कर्नाटक राज्य। सवाल नंबर 19, भारत में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन है ए 240, बी 247, सी 257, डी 266। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 247। सवाल नंबर 20, काली मिट्टी सबसे अधिक किस राज्य में पाई जाती है? ऑप्शन है ए महाराष्ट्र राज्य में, बी गुजरात राज्य में, सी मध्य प्रदेश राज्य में, डी कर्नाटक राज्य में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए महाराष्ट्र राज्य में। तो दोस्तों, ये थे आज के हमारे 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको पहले से ही कितने प्रश्नों के उत्तर आते थे तो अपना स्कोर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। यदि आपका अपना कोई क्वेश्चन है या डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं ताकि हम उसका सही उत्तर दे सकें।